अब जो दूसरा प्रश्न उठता है कि इन जो भी संस्थाओं के बारे में आपने अभी हमारे बच्चों को बताया, इनमें अंतर क्या-क्या है? जी, संविधान ने न्यायपालिका को स्थापित किया जी और कुछ ऐसे विधि हैं जिनके तहत में ये आयोग स्थापित किए गए। जैसे मैंने अनुच्छेद 32 और 226 के बारे में बताया है, जहाँ पे न्यायालय जो है हमें ना कि सिर्फ हमारी बातों को सुनेंगे बल्कि जो दोषी हैं उनको जी सज़ा भी देंगे। ये न्यायालय का काम है। और जो आयोग हैं, मानव अधिकार आयोग की अगर हम बात करते हैं, तो 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक दस्तावेज तैयार किया, जहाँ पे पूरे विश्व के जितनी जो सदस्य थे, जी सदस्य जितने वहाँ पे रहे, उन्होंने ये इकरार किया कि हम अपने देश में मानव अधिकार का पालन करेंगे, किसी तरह का कोई हनन नहीं होगा। और फिर इसी डिक्लेरेशन के तहत 1993 में जी भारत में एक एक्ट पास होता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। इस एक्ट के तहत मानव अधिकार आयोग स्थापित की जाती है। ये दिल्ली में है और मानव अधिकार आयोग के साथ साथ विभिन्न राज्य में, जैसे छत्तीसगढ़ या फिर जितने राज्य हैं वहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जी राज्य स्तर पे मानव अधिकार आयोग वहाँ पे किए गए हैं। तो इनका काम ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जी वो अगर किसी तरह से मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ बच्चों को कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर कोई घटना घटती है तो उस पहले उसका उसकी शिकायत दर्ज होती है, उसके बाद उसकी छानबीन होती है, फिर जाकर फैसला सुनाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन हो रहा है और वो पुलिस में जाता है एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए, पुलिस अगर मना करती है रिपोर्ट लिखने से, तो फिर ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति मानव अधिकार आयोग में जाकर उस पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है, क्योंकि जब तक अगर शिकायत दर्ज नहीं होगी तब तक वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। ये मानव अधिकार आयोग का काम है। इसी तरीके से जो बाल अधिकार आयोग है, अगर बच्चे के किसी अधिकार का हनन हो रहा है, किसी बच्चे से श्रम करवाया जा रहा है, या किसी बच्चे की उम्र पढ़ने लिखने वाली है उनको वो सुयोग नहीं दिया जा रहा है, तो फिर वो बाल अधिकार आयोग में जा सकते हैं। महिला अधिकार का भी इसी तरह से कुछ काम है। जी तो कितनी सारी जानकारी आपने दी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न अब यहाँ पे जो और उठता है, जी सूचना का अधिकार आयोग, इस जी विषय में थोड़ा और बताइए हमारे बच्चों को। बिल्कुल। मैंने तीन चार आयोग के बारे में बताया और सूचना का अधिकार आयोग जो है वो थोड़ा सा इनसे अलग है। सूचना के अधिकार आयोग में हम सूचना प्राप्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे कि अगर कोई समस्या आपको है तो आप सूचना के अधिकार के द्वारा उस समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं, बच्चे भी हमारे ये नहीं समझ पाते होंगे कि हम सूचना लेकर किस तरह से अपने समस्या का समाधान करेंगे। तो इससे अगर बच्चों को मैं एक उदाहरण देकर समझाऊं, मान लीजिए आपके घर के सामने कूड़ा कचरा लगा हुआ है और उसे कोई साफ नहीं कर रहा है, और मैं आपको कहूं कि आप सूचना के अधिकार के तहत इसका समाधान कर सकते हैं, तो आप कैसे करेंगे? इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि वो बच्चा सूचना के आयोग में जाकर ये शिकायत दर्ज करवाए कि मेरे घर के सामने कूड़ा कचरा है, इसको साफ कीजिए, ये हो सकता है। ऐसा करने पर समाधान नहीं होगा। उमूमन लोग ऐसा ही करते हैं, वो ये समझते हैं कि हम आयोग में जाएंगे, वहाँ शिकायत दर्ज करवाएंगे तो हमारा मामला ठीक हो ठीक हो जाएगा, जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ जाकर हमें सूचना लेनी है, उस जगह पे ये पता करना है कि हमारे वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी हैं। जी अगर ये बात हम पता कर लेते हैं तो फिर हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे जो म्यूनिसपालिटी है, हम ये सूचना लेकर उस म्यूनिसपालिटी में जाकर ये बताएंगे उनको कि हमारे वार्ड में चार कर्मचारी होने चाहिए थे, जो सूचना का अधिकार हमें बताता है, तो फिर ये चार कर्मचारी कहाँ हैं, सफाई क्यों नहीं हो रही है, जी तब म्यूनिसपालिटी जो है वो एक्शन में आएगी और उसको साफ करवाएगी। ये कितना महत्वपूर्ण है जानना कि सूचना अधिकार कि केवल हम वहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके ये जानते हैं कि हमें किस कंसर्न अथॉरिटी से बात करनी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुर्शीद जी, इतनी थैंक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बच्चों आज हमने बहुत कुछ सीखा,
हमने केवल अपने राइट्स, अपने अधिकारियों अधिकार के बारे में ही नहीं, बल्कि ये भी जाना कि हमारे देश में ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे अधिकारों का संरक्षण करती है, और साथ ही ये भी जाना कि किस प्रकार से हम इन संस्थाओं का सही उपयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।